हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम सब जानते हैं, जो करंटली नोवल कोरोना वायरस है वो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में फैल चुका है और हर कंट्री की जो गवर्नमेंट है सब ने लॉकडाउन लगाने का डिसीजन लिया है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लॉकडाउन क्यों ज़रूरी है और क्यों हमारे पास लॉकडाउन नंबर ऑफ कोविड पेशेंट्स को रिड्यूस करने में हेल्पफुल है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे SIR मॉडल फॉर COVID-19। उसके अंडर हम पढ़ेंगे कि हमें मैथमेटिकल मॉडलिंग की ज़रूरत क्यों है और किन एजम्पशंस पे वो मॉडल बेस्ड है और उसकी वर्किंग क्या है। तो हम शुरू करते हैं कि हमें मैथमेटिकल मॉडलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो उसका फर्स्ट रीज़न है, हमारे पास हॉस्पिटल्स को रफली आइडिया चाहिए क्या हमारे पास इनफ बेड और वेंटिलेटर्स की फैसिलिटी है। सेकेंड उसका रीज़न है डाटा इंटरप्रिटेशन टू एक्सप्लेन द रेट ऑफ वायरस स्प्रेड। अगर हमारे पास रो डाटा है, उसको इंटरप्रेट नहीं कर रहे हैं, उससे कोई कंक्लूजन नहीं निकाल रहे हैं, तो हमें उस डाटा का कोई फायदा नहीं है। इसलिए डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए हमें मैथमेटिकल मॉडलिंग की ज़रूरत है, सो दैट गवर्नमेंट को डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम ना आए। उसका थर्ड रीज़न है हमारे पास कैन बी यूज टू अंडरस्टैंड हाउ अ वायरस स्प्रेड विद इन अ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अंदर है जो हमारे पास वायरस है वो कैसे फैल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इट कैन कंप्यूट अ मोर रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द इन्फेक्शन रेट। अब हमने सेकंड पॉइंट में पढ़ा कि डाटा को इंटरप्रेट करने के लिए हम उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, जब हम डाटा को इंटरप्रेट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उस डाटा को बार ग्राफ या और ग्राफ्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उससे हमें क्या है, क्लियरली हमें पता लग रहा है नंबर ऑफ कोविड पेशेंट्स कितने हैं, इन्फेक्टेड कितने हैं, उनमें से रिकवर्ड कितने हैं। तो वो क्या है, हमारे पास हमें मोर रियलिस्टिक पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है COVID-19 के इन्फेक्शन रेट की। लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो हमारे पास इसका रीज़न है वो क्या है, मैथमेटिकल मॉडलिंग हमें एक्सप्लेन कर पाता है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनके लिए सोशल आइसोलेशन क्यों ज़रूरी है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि हमारे पास किन एजम्पशंस पे ये मॉडल बेस्ड है। फर्स्ट जो एजम्पशन है हमारे पास, नो बर्थ नो इमिग्रेशन, रिकवरी गिव्स टोटल इम्यूनिटी। रिकवर्ड जो पर्सन है हमारे पास, उसके बाद उनकी जो इम्यून सिस्टम है वो टोटल इम्यूनिटी है उनके पास, ठीक है। मतलब वो दोबारा से इन्फेक्टेड नहीं हो सकते, हम ये चीज़ एज्यूम करके चल रहे हैं। पीपल आर वेल मिक्सड, देयर इज़ अ फिक्स्ड रेट पर डे, देयर इज़ अ फिक्स्ड रिकवरी टाइम, एज, सेक्स, सोशल स्टेटस एंड रेस डू नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इन्फेक्टेड। अब हम पढ़ते हैं कि SIR मॉडल की वर्किंग क्या है। SIR मॉडल में हम क्या करते हैं, हमने 3 कैटेगरीज बनाई हुई हैं। फर्स्ट कैटेगरी है हमारे पास ससेप्टिबल, सेकंड कैटेगरी है इन्फेक्टिव्स और थर्ड कैटेगरी है रिमोट। ससेप्टिबल में क्या है हमारे पास, इंडिविजुअल्स हु आर एट द रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन है वो सब इनिशियली ससेप्टिबल्स में थी, वो इन्फेक्टेड हो सकते थे। सेकेंड है हमारे पास इन्फेक्टिव्स। इन्फेक्टिव्स क्या है, दो ससेप्टिबल्स हु गेट अफेक्टेड बाय द वायरस। वो ससेप्टिबल्स जिनको हमारे पास जो इस वायरस से अफेक्टेड हुए हैं वो सेकेंड कैटेगरी में आते हैं। थर्ड है हमारे पास रिकवर्ड। रिकवर्ड कैटेगरी में कौन से आते हैं, जो इन्फेक्टेड होने के बाद वो रिकवर्ड हो चुके हैं या फिर उनकी डेथ हो चुकी है, वो हमारे पास थर्ड कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो हमारे पास ये 3 कैटेगरीज हैं उनके रेट ऑफ चेंज पर यूनिट टाइम कैसे डिपेंड करते हैं, किस क्वांटिटी पे डिपेंड करते हैं। उसके लिए हमने क्या बनाया, 3 डिफरेंशियल इक्वेशंस के फॉर्म में हमने उनको लिखा है। फर्स्ट है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ ससेप्टिबल पर यूनिट टाइम। अब हम सिंपली बात करते हैं कि रेट ऑफ ससेप्टिबल पर यूनिट टाइम किस पे डिपेंड करता है। एक मैं बोल सकती हूँ जितनी ज़्यादा कंट्री की पॉपुलेशन होगी उतने ज़्यादा हमारे पास ससेप्टिबल केस होंगे। यहाँ से फर्स्ट मैं बोल सकती हूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ ससेप्टिबल डिपेंड करता है रेट नंबर ऑफ ससेप्टिबल्स पे, इसलिए यहाँ पे ससेप्टिबल है। सेकेंडली रेट ऑफ चेंज ऑफ ससेप्टिबल डिपेंड करता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑलरेडी इन्फेक्टेड। क्यों, क्योंकि जब हमारे पास यहाँ पे जो है वो नंबर ऑफ ससेप्टिबल ही हैं जो बाद में इन्फेक्टेड हुए हैं, दैट मीन्स जैसे जैसे ये बढ़ रहे हैं ये कम हो रहे हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ ससेप्टिबल है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑलरेडी इन्फेक्टेड। और जो हमारे पास बीटा है वो हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट है इन्फेक्शन रेट, जो कि हमने अजम्पशन में पढ़ा था वो हमने कॉन्स्टेंट लिया था। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ ससेप्टिबल पर यूनिट टाइम डिक्रीज कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमारे पास इनिशियली इसके नंबर इसमें जो हमारे पास नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स थे वो ज़्यादा थे, जैसे जैसे वो इन्फेक्टेड
हो रहे हैं इसमें से उसकी वैल्यू हमारे पास इसमें इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा। सेकेंड है रेट ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट टाइम, हमारे पास उसको पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिकवरी, ठीक है। अब ये है हमारे पास, ये किस पे डिपेंड करता है, ये हम बोल सकते हैं ना जितने ज़्यादा हमारे पास इंफेक्टेड होंगे उतने ही उन्हीं में से हमारे पास रिकवर्ड भी आएंगे। मैं बोल सकते हैं ना कि जो रेट ऑफ रिमूव्ड पर यूनिट टाइम है वो किस पे डिपेंड करता है, हमारे पास इन्फेक्शन इन्फेक्टिव के ऊपर, और गामा हमारे पास क्या है, रिकवरी रेट है जो कि हमने कॉन्स्टेंट लिया था। अब है सेकेंड कि हमारे पास रेट ऑफ इन्फेक्टिव पर यूनिट टाइम किस पे डिपेंड करता है। अब सिंपली हमने बोला था कि यहाँ से जितने भी इधर ये हैं, ठीक है, जितने भी ससेप्टिबल इन्फेक्टेड हुए हैं, ठीक है, वो इसमें जो टोटल है उनमें से जो रिकवर्ड है वो सब किस में आ जाएंगे हमारे पास इन्फेक्टिव में। मैंने वो ये लिखा है जितने भी हमारे पास इनिशियली इन्फेक्टिव में थे जो कि ससेप्टिबल से आए थे, उसके बाद उसमें से कुछ रिकवर्ड भी हो चुके हैं तो वो ये आ जाएंगे। और यहाँ पे पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ससेप्टिबल के केस में यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम हो रहे थे, लेकिन इंडिविजुअल के केस में यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऐड हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है। होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।